Okay, students, now we will complete the exercise. Question number A is complete each sentence using a or an or the with a word from the box. Dress, line, film or pie. Number one is Stephen is watching a film. The film is called Thin Ice. इसमें आप देखें कि फर्स्ट वाली जो ब्लैंक है उसमें आ फिल्म यूज़ हुई है और जो सेकंड है उसमें द फिल्म यानी कि फर्स्ट जो नाउन है उसमें आ फिल्म और जब सेकंड टाइम उस नाउन को यूज़ किया है तो उसके साथ द फिल्म यूज़ हुई है. सेकंड इज सैम बेक्ड, इसमें अब आएगा आ पाई. For dessert और second में आएगा the pie was delicious. Okay, third में है Lara wore dash to the party. Lara wore dress to the party. और सेकंड टाइम आएगा द ड्रेस वाज ब्यूटीफुल. फोर है वेंडी सॉ अ लायन एट द जू और सेकंड टाइम आएगा द लायन वाज कॉल्ड लियो. इस एक्सरसाइज में हमने फर्स्ट नाउन के साथ आ यूज़ किया और सेकंड टाइम जब उसी नाउन को यूज़ किया है तो उसमें उसके साथ हमने दा को यूज़ किया. अच्छा, अब हम दा का देखेंगे. वी यूज़ दा व्हेन देयर इज़ ओनली वन ऑफ द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. कि दा जो है वो एक चीज़ के बारे में जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ है उसके बारे में हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ यूज़ करते हैं. I don't like to see the Eiffel Tower in Paris. There is only one Eiffel Tower. यानी कि जो एक स्पेसिफिक चीज़ है. अब टावर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन Eiffel Tower जो है वो दुनिया में एक ही है. जिस तरह से कि मीनार पाकिस्तान है, मीनार पाकिस्तान भी एक ही है, ठीक है. और इस तरह से और बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं कि जैसे फैसल मॉस्क है, फिर बादशाही किला है, इनकी ये पाकिस्तान की बात हो रही है. तो अगर हम बाहर देखें दूसरे ममालिक में जैसे है द ग्रेट वॉल और इसके अलावा और भी बहुत सी हमें मिसालें मिलती हैं, तो अगर ये देखा जाए तो इनके साथ हम दा यूज़ करेंगे, ठीक है. इनके जो एक स्पेसिफिक चीज़ है उसके बारे में बात की जा रही है तो हम उसके साथ दा लगाएंगे. या कोई ऐसी हस्ती है जैसे कि कायदे आज़म हैं, दा उनके साथ दा लगाएंगे, अल्लामा इकबाल, और इन जो एक ख़ास चीज़ है उसके साथ हम दा यूज़ करेंगे. आगे इसकी एक्सरसाइज है कंप्लीट ईच लेबल यूजिंग ए और एन और दा. अब पहले ए और एन का हमने देख लिया है कि ए और एन जो है वो हम ए जो है एक नाउन के साथ यूज़ करेंगे और एन जो है जो वाउल्स होते हैं उनके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है. नंबर वन है ए में हम आ ब्रिज, कोई भी ब्रिज हो सकता है, ठीक है. बी में है द गोल्डन गेट ब्रिज. अभी देखें इसमें एक ब्रिज है कोई भी, उसके साथ हमने आ लगाया. और बी में देखें द गोल्डन गेट ब्रिज, इसमें एक स्पेसिफिक नाम है गोल्डन गेट ब्रिज, उसके साथ हमने दा यूज़ किए. नंबर टू है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. अब ये एक ही वॉल है चाइना की जो कि बहुत बड़ी है, ये तो आप भी जानते हैं, तो उसके साथ हमने दा यूज़ की है. और बी में है अ वॉल, यानी कि कोई भी वॉल जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. अब इसमें देखें थर्ड वाले में आ टावर, टावर कोई भी हो सकता है.
द लेनिंग टावर ऑफ पिसा, और ये टावर जो है ये इटली में है, और ये एक स्पेसिफिक टावर के बारे में बात की जा रही है, इसके साथ हम द यूज़ करेंगे।